की परीक्षा पूरी तरीके से एक नई बात है। और एक जो बात आप लोगों को सुनकर के लगता होगा कि बोर्ड की परीक्षा कठिन होती है, बोर्ड की परीक्षा का नाम सुनने के बाद थोड़ी सी एक जिम्मेदारी, एक भय आपको लगता होगा, ये सभी के साथ होता है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य जिम्मेदारी से करना चाहता है तो वहां पे जिम्मेदारी से करने के दौरान एक डर और भय का भी माहौल क्रिएट होता है। लेकिन आप लोग अगर अपने बचे हुए समय का अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे तो किसी भी तरीके का ना तो प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होगा, ना ही किसी तरीके का आपको डर लगेगा, बल्कि तो बोर्ड परीक्षा देने में सफल होंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी आपके लिए 2.5 से 3 महीने का समय बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के पूर्व में, उस समय का सदुपयोग करना है। सदुपयोग आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आप अपने पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस आपका है, उस सिलेबस की तैयारी किस तरीके से जो है करेंगे अपने इस बचे हुए समय में, कि सिलेबस का कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय जो है छूटने न पाए। आपको यह ध्यान में रखना है कि सिलेबस आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, और पूरा सिलेबस जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद यह महत्वपूर्ण है कि लिखने की प्रैक्टिस। यह कार्य जो है बहुत कम लोग कर पाते हैं, और चूंकि जब आप परीक्षा देने सीधा जाते हैं और वहां पे कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो उसे दोबारा सुधारने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो तैयारी जो आप कर रहे हैं उस तैयारी को लिखने के लिए जो है आप समय निकालेंगे, और इसके लिए सबसे अच्छा समय प्रति रविवार का होता है। आप पूर्व परसों के प्रश्न पत्र को लेंगे और रविवार के दिन एक एक प्रश्न पत्र जो है हल करेंगे। अगर अभी 2.5 महीने का समय देखा जाए तो आपके पास 10 से 12 सप्ताह बच रहे हैं। हर संडे को आप एक प्रश्न पत्र हल करिए, आप देखेंगे स्वाभाविक सी भी बात है कि कई त्रुटियां आप लोगों के सामने आएंगी। उसमें कहीं समय प्रबंधन की भी समस्या हो सकती है, वर्तनी की अशुद्धियों की समस्या हो सकती है, कि कुछ सवाल आपके छूट जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों को आप जो गलतियां यहां पे, जो त्रुटियां, जो समय प्रबंधन की समस्या हो रही है, उसे आप सुधारने में सफल होंगे। और आप ये देखेंगे कि पहला प्रश्न पत्र जब आपने हल किया और 7वां 8वां प्रश्न पत्र जब आप हल करेंगे तो इसके बीच में बहुत अंतर हो जाएंगे, चाहे वो समय प्रबंधन का हो, चाहे वर्तनी की बात हो, चाहे परीक्षा को लेकर के आत्मविश्वास का हो। ये दोनों ही जो है तीनों क्षेत्रों में आप में सुधार आएगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परीक्षा से डर भय कम होगा, और आप जो एक माहौल क्रिएट होता है डर भय का वो दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप अपने समय का बेहतर ढंग से पाठ्यक्रम को तैयार करने में लगाएंगे, और प्रति रविवार के दिन अपने पाठ्यक्रम पर आधारित जो पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उसे उसी 3 घंटे में हल करेंगे जैसे कि आप परीक्षा में करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो गलतियां वहां हो सकती हैं वो नहीं होंगी। आप ये समझिए कि प्रतियोगी परीक्षाएं आप कई बार दे सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो व्यक्ति अगर हाई स्कूल में आप है तो आपको जीवन में एक ही बार देना है, अब दोबारा आप बोर्ड का परीक्षा नहीं देंगे। इसलिए जब आप युद्ध के मैदान में जा रहे हो, अपने शत्रु से जैसे लड़ने के लिए व्यक्ति जाता है, तो पूरी तैयारी के साथ आपको जाना होगा। केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि लिखने के स्तर पर भी प्रयास करना होगा, क्योंकि परीक्षा में मार्क्स आपको लिखने के मिलेंगे, पढ़ने और तैयार करने का नहीं। तो जिस तरीके से पढ़ाई के महत्व को समझते हुए स्कूल में एडमिशन लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि स्कूल में आके पढ़ना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से किसी परीक्षा की तैयारी के लिए केवल पाठ्यक्रम की तैयारी ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि उसके आधारित प्रश्न पत्रों को हल कर एक लेखन कौशल को विकसित करने में भी होती है। तो आप लोग अगर इस तरीके से लेखन कौशल का विकास करेंगे तो निश्चित तौर पर परीक्षा में आपकी दावेदारी प्रबल और मजबूत होगी, इससे आपको अच्छे अंक भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगली बात जो बोर्ड परीक्षा को लेकर के है, दो बातें हम लोगों ने चर्चा किया, एक पढ़ने को लेकर के, पाठ्यक्रम को तैयारी करने को लेकर के, और दूसरी बात जो थी वो लिखने को लेकर के थी। अब तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे आप किसी भी उत्तर को लिख रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, सामान्यतः ये बात बाद में पता चलती है जब वो एग्जाम निकल चुका होता है। जैसे आप कोई टॉपिक है या कोई प्रश्न है उसका उत्तर लिख रहे हैं, तो आप उसके उत्तर को केवल टेक्स्ट के ही रूप में न लिखिए,
बल्कि उसके साथ में जो है अगर कोई चित्र बना सकते हैं तो आप उस चित्र का भी सहारा लीजिए, कोई पाई चार्ट का सहारा ले सकते हैं, दंडारेख का सहारा ले सकते हैं, तो इससे आपका उत्तर बहुत ही क्रिएटिव और बहुत इफेक्टिव होता है। इससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज का उत्तर देने और उस पर अपनी बात को बताने के कई नजरिया और कई तरीके होते हैं। उसमें आप जब टेक्स्ट के साथ साथ जो है इस तरीके से चित्रों को, आंकड़े को, दंडारेख को, पाई चार्ट का सहारा लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप सभी लोग, जहां तक मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही हैं, तो एक मनोविज्ञान यह भी काम करता है कि हम लोग तो गांव से हैं, हम लोग क्या बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। ऐसी बातें, ऐसी सोच भी दिमाग में आती होंगी और सामान्यतः लोगों में आती है, सभी के मन में। लेकिन इस बात को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यह एक नेगेटिव अप्रोच है। आपको इसे कमजोरी नहीं बनाना है, बल्कि मेहनत करके, पाठ्यक्रम की तैयारी करके, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन के माध्यम से इसे अपने मजबूती में बदलना है। और इस तरीके से कर करके आप अपने इस नेगेटिव जो अप्रोच है इसको कम कर सकते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कोई भी परीक्षा, बड़ी परीक्षा होती है, जब रिजल्ट आता है तो उसमें गांव के भी बच्चे, अपने आपके अगल बगल के भी बच्चे, रिक्शा चलाने वाले के लड़का, हर जगह पे जो है सभी के बेहतर प्रदर्शन होते हैं। कोई न कोई स्टूडेंट जो है पेपर में निकलता है कि आज फला का लड़का जो है यहाँ पे चयनित हो गया, और वो गांव से ही था, वो इसी तरीके के स्कूलों में पढ़ाई किया है। इसलिए आपको भी उन्हीं का अनुसरण करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई चीज असंभव नहीं है, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर आपने जज्बा आप में है, आपका लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन है, तो आप यकीन मानिए कि आपको लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस आपको आगे बढ़ना है, ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करना है। अभी मैंने दो शब्द बताए, ईमानदारी और मेहनत। अभी हम कुछ शब्दों पर चर्चा करेंगे, बाद में उसमें हम बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड परीक्षा को लेकर के इन तीन पॉइंट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है समझ चुके होंगे। पुनः एक बार मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि जो बचे हुए समय 2.5 से 3 महीना है, उसको आप एक शेड्यूल बना करके कि हमें कितने समय में क्या चीज पढ़ना है। आपने काफी कुछ चीजें 60-70% 80% चीजें अब तक पढ़ लिए होंगे। जो चीजें बची हैं उसको जो है 2.5 से 3 महीने में पढ़ना है और पढ़ी हुई चीजों को दोहराना है, जिससे आपका वह कंटेंट बेहतर ढंग से तैयार हो सके, आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। जब आपकी तैयारी किसी विषय पे बेहतर होती है तो उस समय आत्मविश्वास बढ़ता है। जिसको कुछ पता नहीं है, एग्जाम में केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसके पास। लेकिन अगर क्लियर प्रिपरेशन है, नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप निश्चिंत होकर के एग्जाम में जाएंगे, आपका ना तो हाथ कांपेगा ना तो लिखते समय हाथ रुकेगा। कई बार ऐसे होता है कि कोई प्रश्न है, बड़े प्रश्न 200-300 शब्दों के भी प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ लिखने के बाद आपके हाथ रुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस विषय पर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होती है, या आपने पढ़ा है, चीजें क्लियर नहीं है, इंटरकनेक्टेड अप्रोच आपके पास नहीं है। किसी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो उसके सभी पक्षों और आयामों को जोड़ करके आप पढ़ेंगे। जैसे कोई टॉपिक आप साइंस स्ट्रीम में, कोई जेनेटिक्स का टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आपको केवल यही नहीं देखना है कि जेनेटिक्स क्या है, बस इतना जान लीजिए जेनेटिक्स क्या है, किसने खोज किया, उसकी क्या विशेषताएं, उसके क्या थियोरी है, उसके क्या इंप्लीमेंटेशन है, कहा मतलब उसके क्या क्रियान्वयन है, किन क्षेत्रों में लागू होते हैं, इन सारी चीजों को जोड़ करके पढ़ेंगे। ये कहलाता है इंटरकनेक्टेड अप्रोच, अंतर संबंधित उपागम। मतलब किसी भी टॉपिक या प्रश्न के सभी पक्षों और आयामों को जोड़ करके पढ़ना, या इसे आप व्यवहारिक रूप में कह सकते हैं, कहानी के रूप में पढ़ना। तो जब इस तरीके से जोड़ करके आप किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वो चीजें आपके मस्तिष्क पर ड्यूरेबल होती हैं, टिकाऊ होती हैं, वो चीजें भूलती नहीं है और परीक्षा में आपका पेन नहीं रुकता है। तो ये पढ़ने का एक अप्रोच हम बता रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के अलग ये बात हम आप लोगों से कर रहे हैं, जो सभी को करना चाहिए, वो चाहे ह्यूमैनिटीज का, मानविकी का कोई स्टूडेंट हो, साइंस स्ट्रीम का हो, एग्रीकल्चर का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है उसके सभी पक्षों को जोड़ करके और व्यापक तरीके से जो है उसका अध्ययन करना। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो यह है कि किसी भी टॉपिक को रट करके ही केवल नहीं पढ़ना है, केवल रट करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि रट करके पढ़ने का तात्पर्य होगा कि किसी ने आपको जबरदस्ती कहीं पर खड़ा कर दिया और आप वो चीज पढ़ रहे हैं कि उसको हमें किसी तरीके से बता करके यह काम पूरा करना है। ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको दबाव नहीं डाला जा रहा है,
स्कूल में आपको डंडे से नहीं मारा जा रहा है कि मारा जाता आप लोगों को, बहुत ही सहज ढंग से पढ़ाई कराई जाती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि बिना डर और भय के आप सहज माहौल में चीजों को समझते हुए पढ़िए, ताकि वो केवल ना शब्दों के रूप में रटा जाए बल्कि वो आपके व्यक्तित्व निर्माण का एक आधार बने और भविष्य में आपका जो है सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे ना केवल आप अपना, अपने परिवार का, बल्कि क्षेत्र, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। तो दूसरी जो बात हमने बताया, वो रटने के बजाय समझ आधारित पढ़ाई कीजिए। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात हम बता रहे हैं, जो सामान्यतया नहीं बताई जाती है, वो ये है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है और अपने मन में सोचना है, उसके बारे में मेडिटेट करना है, उस टॉपिक के बारे में, कि आप दूसरों को बता सके, दूसरों को बता सके, इस आधार पर पढ़ाई करना है। और आप यकीन मानिए कि जब इस आधार पर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी और कॉन्फिडेंस स्वतः बढ़ जाएगा। आपके अंदर यह भी कहीं ना कहीं एक डर होगा कि शायद अगर हम बता रहे हो और भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो आप इस डर से अपने आप को बचाने के लिए उस टॉपिक को एक बार और पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो यह अप्रोच आप अगर अपनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड लेवल पर आपकी जो है पढ़ाई और प्रिपरेशन होगा। क्या चीज हमने बताया कि दूसरे को पढ़ा सकने की क्षमता पैदा करना। दूसरे को पढ़ा सकने का केवल यही तात्पर्य नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्लासेस में जाकर के 500 लोगों को बताना, आप किसी एक व्यक्ति को भी बता सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए किसी दिन कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है, और कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं आया है, तो अगले दिन वो आपसे पूछता है तो आप उसको समझा सके। इस तरीके से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए कि दूसरे को समझा सके, केवल लिखने के लिए नहीं। क्योंकि जब आप परीक्षा में लिखते हैं तो वो कॉपी तो ना आप देखते हैं, ना आपका पढ़ाया हुआ शिक्षक देखता है, और ना ही जो है घर का गार्जियन देखता है। तो वहां कुछ भी आप लिख देते हैं, ये सिक्योरिटी होती है कि हमारी कॉपी तो कोई अपना परिचित देख नहीं रहा है, चाहे जो हम बता दें, लिख दे, कुछ नंबर मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति पूछता है तो आप उसको बता सकने की क्षमता उसमें डेवलप करें। ये क्या करेगा कि आपके ना केवल कॉन्फिडेंस लाएगा बल्कि उस टॉपिक को आपके माइंड में ड्यूरेबल, टिकाऊ बनाएगा। तो ये अप्रोच बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो बताई जा रही हैं वो आप लोग करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ाई किया, अपने जीवन में जो संघर्ष किया, परीक्षाओं को देने में, प्रतियोगी परीक्षाओं का जो अनुभव रहा, उस चीज को शेयर कर रहे हैं। अगली एक और महत्वपूर्ण बात है जो सामान्यतः कई कार्यक्रमों में स्टूडेंट की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, वो ये है कि पढ़ने के बाद सर भूल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इस पर जो रिसर्च है, जो प्रयोग है, जो उसके परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसको हम आप लोगों तक शेयर ये कर रहे हैं कि जैसे कोई टॉपिक किसी दिन आप पढ़ते हैं, उस टॉपिक के बारे में जैसे तीन टॉपिक आपने पढ़ा किसी दिन, जो है एक विज्ञान का, एक गणित का, एक हिंदी का या एक अंग्रेजी का टॉपिक आपने पढ़ लिया, ठीक है, पूरे दिन में आपने पढ़ लिया। शाम को आपको 10 मिनट का समय निकाला, केवल 10 मिनट, इसमें केवल अनुशासन की जरूरत है, बहुत समय की जरूरत नहीं, केवल 10 मिनट आप समय निकालिए और उसके बारे में सोचिए कि हमने जो हिंदी का टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी। आप अपनी आंखें बंद करके उसके बारे में सोचिए। अगर उस टॉपिक के सभी बातें क्रम से आपके मस्तिष्क में आ रही है, दिस मीन कि उस पर आपकी तैयारी पूर्ण है। अगर नहीं आ रही है आपके माइंड में वो बातें, तो अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए। इससे क्या होगा, एक तरफ आपकी तैयारी होगा, दूसरी तरफ आपके मस्तिष्क का विकास होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो चीजें जितनी बार प्रयोग में लाई जाती हैं उसका उतना ही मजबूती से गुणात्मक रूप में विकास होता है, इसलिए आपका मस्तिष्क विकसित होगा। इससे जो है, और इसी से जुड़ी तीसरी बात है कि अगर वो चीज आपको नहीं आती है, ऐसा भी आपके साथ होगा कि अगर चार बातें हैं किसी विषय, किसी टॉपिक के बारे में, चार पॉइंट आपने पढ़ा था उस टाइम, उसमें से हो सकता है कि दो पॉइंट आपको आ रही हो, तीसरा चौथा ना आ रहा हो, तो आपको जोर डालना है। देखिएगा, विश्वास कीजिए, उसमें से एक आध टॉपिक जरूर आ जाएगा आपके मस्तिष्क में, और हो सकता है चौथी टॉपिक ना है, तो आप किताब खोल के देख लीजिए। अब मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से आप करके उस टाइम पर अपनी किताबों को खोल लेते हैं तो जीवन में वो टॉपिक आपके मस्तिष्क से नहीं हटेगा, और वो हमेशा के लिए न केवल तैयार हो जाएगा बल्कि आप दूसरों को बताने की भी स्थिति में होंगे। और जब इस तरीके से साउंड और क्लियर जो है
प्रिपरेशन किसी टॉपिक पे हो जाएगा, आप एग्जाम के लिए जो आप बोर्ड का परीक्षा देने जा रहे हैं, केवल वही नहीं, जब आप कंपटीशन की एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो या कला जगत की महान हस्ती बनने के लिए कोई परीक्षा हो, तो वहां पर आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही सहज ढंग से परीक्षा में बैठेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने उत्तर को लिखने में सफल होंगे। तो याद करने के दौरान भूलने की जो समस्या थी उसके लिए हमने तीन बातें बताई। एक तो ये कि मेडिटेट योर कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक, मतलब जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं शाम को उस पर चिंतन करना है, सोचना है, केवल सोचना है। सोचने से वो चीजें अगर आपको आ रही हैं तो ठीक है, तैयार है, एक बात। दूसरी बात, नहीं आ रही हैं तो उसके बारे में अपने मस्तिष्क पर जोर डालेंगे और चीजें पुनः रिमाइंड होगी, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह कि अगर जो चीजें नहीं आ रही हैं तो 2 मिनट में किताब खोल करके तुरंत देख लीजिए, इससे वो टॉपिक पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये भूलने के संदर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों में स्टूडेंट की तरफ से पूछे गए सवालों पर आने वाली प्रतिक्रिया का ये जवाब था जो हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हाल फिलहाल में अभी ट्रेंड में आई हुई है कि आज के समय में पढ़ाई जो है डिजिटल फॉर्मेट में चेंज हो रही है। जैसे कई बार यह भी सवाल पूछा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई का माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करना, इस विषय में मैं एक चीज क्लियर बहुत बता दे रहा हूं, सभी के लिए है, विशेष करके स्टूडेंट के लिए तो अवश्य ही है कि यूट्यूब पर रखे गए 95% कंटेंट जो है आपके लिए अहितकारी है, मतलब वो आपके फायदे का नहीं है। अब ये आपको सोचना है कि क्या महत्वपूर्ण है और हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे पाठ्यक्रम के अनुकूल है और क्या हमारे भविष्य को बना सकता है। तो 95 से 98% चीजें जो है वहां पे वो आपके लिए नुकसानदायक रखी गई है, उसका आपके जीवन से, आपके भविष्य से, आपके तैयारी से, आपके परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आपको समझना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड के एग्जाम जब आपके खत्म होंगे, चूंकि अब आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में है तो इतनी कम से कम क्षमता आपके अंदर है कि अब आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकिए, और यहां भविष्य से तात्पर्य अपने लक्ष्य या आपकी तैयारी से है। अगर आपके गणितीय अभिरुचियां हैं, गणित के क्षेत्र में आपकी इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, इसी तरीके से साइंस में है तो आप मेडिकल में जाएंगे, और ह्यूमैनिटीज में आपके अच्छे मानविकी के सब्जेक्ट्स में, आर्ट साइड जिसको कहा जाता है, उसमें अगर अच्छे पकड़ है, आपकी अच्छी जानकारी है तो आप सिविल सेवा के क्षेत्र में जाएंगे। ये तीन ही मेन स्ट्रीम पढ़ाई के हैं, बाकी इसके अलावा एग्रीकल्चर और कॉमर्स भी है, तो उसमें अगर रुचि है तो आप उसमें जाएंगे। तो अपनी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। जैसे हमेशा ये कहा जाता है कि भटकना नहीं चाहिए, कई क्षेत्रों में प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि लक्ष्य का निर्धारण करके पूरी डेडिकेशन के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पे कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे किया जाए, हम क्या करें। इसके लिए यही आवश्यक है आप लोगों के लिए कि जिसमें आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छे रहे हो, उस फील्ड में अपनी रुचि आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जिस फील्ड में आपकी रुचि होती है उस फील्ड में आपको काम करने में अच्छा लगता है, आप बोर नहीं होते हैं। और अभी तक देखेंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कहाँ अच्छे रहे, किस विषय में आपके अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो ये 2 आधार हैं, एक इंटरेस्ट, एक अब तक की आपकी क्या तैयारी रही है, किन विषयों में आपने अच्छा किया है। इन दोनों आधारों पर आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। पुनः लक्ष्य निर्धारण करने के बाद प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई एक सिलेबस होता है, उसी सिलेबस पर काम करना होता है। अब हम इस बात को आपके ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ते हैं, अब आप आ गए सिलेबस पर। चूंकि सिलेबस जो होता है, और सिलेबस जब आप देख चुके होंगे तो आप अपने सिलेबस में कही गई बात और टॉपिक सब्जेक्ट को ही जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे, अनावश्यक चीजें वहां पे नहीं देखनी होगी। और एक चीज और मैं बताऊं, जैसे जो हानिकारक चीजें हैं वही अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता। भाई कोई चीज अगर आप सीख रहे हैं और किसी चीज के कारण से आपको कहा जा रहा है कि फला स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में, इसका मतलब उसकी किसी विषय पर पकड़ है, किसी विषय पर तैयारी है ना। तो किसी चीज को सीखने के लिए कुछ तो अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो आपकी एक उपलब्धि होती है। और अगर कुछ दिमाग ही ना खर्च करना पड़े तो सभी लोग टैलेंटेड हो जाएंगे कुछ भी देख करके, है ना। तो इसलिए जब आपकी कुछ किसी विषय में उपलब्धि होगी
तो उसी के कारण से जो है आपको अच्छा कहा जाएगा, प्रतिभावान कहा जाएगा, और वही आधार बनेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फ्यूचर में चल करके। तो ऑनलाइन पढ़ाई के संदर्भ में इतनी बातें केवल कहना है कि जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपका पाठ्यक्रम होता है, उसी पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक और विषयों का अध्ययन आपको ऑनलाइन करना होगा। लेकिन उसके पहले एक और चीज मैं बताऊंगा कि आपके पाठ्यक्रम पर आधारित बेसबुक, ये महत्वपूर्ण है। आधार किताबें जो होती हैं, बेसबुक जिसको कहा जाता है, कि जब आप पाठ्यक्रम निर्धारित कर लेते हैं तो उस पाठ्यक्रम पर आधारित आप बेसबुक बनाएंगे और बेसबुक को पढ़ेंगे, क्योंकि किताबों की पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। किताबों की पढ़ाई कहा जाता है ना, किताबें बोलती हैं, किताबें आपको सोचने के लिए विवश करती हैं, किताबें आप में रचनात्मकता सृजनात्मकता पैदा करती हैं, इसलिए किताबों को पढ़ना है। हाँ, अगर इसके साथ में आपको लगता है कि पाठ्यक्रम की कोई चीज़ ऐसी है, कोई टॉपिक ऐसा है, कोई समकालीन टॉपिक ऐसा है जो किताबों में नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम हेतु किताबों का अध्ययन करेंगे, और जो टॉपिक आपको किताबों से नहीं मिलेगा, केवल उन्हीं टॉपिक को आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ना है और पढ़ करके उस पर तुरंत नोट्स बनाना है, क्योंकि बार बार उसी टॉपिक के लिए हम ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट ना होना पड़े। जब आप नोट्स बना लेंगे तो पुनः आप जो है परंपरागत तरीके से उस चीज को पढ़ लेंगे, या इजिली उसको अगर दोबारा जो है दोहराना चाहेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये रही बातें जो है आपके पढ़ाई के तरीकों को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ भविष्योन्मुखी करियर के बारे में जो बातें हुई होंगी वो आप लोग जो है समझ चुके होंगे और इसे अपने जीवन में जो है अपनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने बात दो बिंदुओं पर मुख्य रूप से किया है। एक तो ये कि बोर्ड एग्जाम के लिए अपने ऊपर प्रेशर हावी नहीं होने देना है, जो समय है उस समय का सदुपयोग करना है और उसमें अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करना है। पाठ्यक्रम की तैयारी करने के बाद लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि मार्क्स आपको वही मिलेंगे जो आप वहां पे लिख करके आएंगे। और अगली बात थी कि लिखने के साथ साथ उसमें ऐसी कुछ चीजें ऐड करने का प्रयास करेंगे जिससे आपका उत्तर प्रभावी होगा। चाहे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और पौधों के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, तो आप पौधे का चित्र बना सकते हैं, कोई पत्तियों का चित्र बना सकता है। इसी तरह फिजिक्स में कोई चीज़ है वो आप उसका सहारा ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में है तो आप किताबों का उल्लेख कर सकते हैं, परिभाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके उत्तर को जो है प्रभावी बनाती हैं, जिससे अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। इतनी बातें रही बोर्ड एग्जाम के बारे में। बाकी आपके भविष्योन्मुखी करियर को लेकर के जो हम लोगों ने चर्चा किया कि हमेशा आपको लक्ष्य बना करके पढ़ाई करना होगा और लक्ष्य पर आधारित जो पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम के लिए आपको किताबों का ही अध्ययन करना होगा। किताबें आप में सोचने के लिए आपकी सृजनात्मकता पैदा करती हैं और इसके साथ साथ जो है पढ़ाई आपको अवधारणात्मक करना होगा, यानी कि कहानी के रूप में पढ़ना होगा, तथ्यों के रूप में, और केवल रट करके पढ़ाई नहीं करना होगा। और सामान्यतया जो है आपको पढ़ी हुई चीज़ों को शाम को चिंतन में अपने लाना होगा और इस आधार पर आप अपने पाठ्यक्रम की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करेंगे। केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि किताबों के माध्यम से पढ़ना होगा। जो चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगे उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए पढ़ के उसमें नोट्स बनाना होगा। ये रही आज के संपूर्ण बात का जो है एक अंश। इसके साथ साथ कुछ नैतिक मूल्य हैं, जैसे मेहनत और ईमानदारी के गुणों को विकसित करना होगा। मेहनत का तात्पर्य हमने अभी तक चर्चा कर लिया कि अपने समय का समयबद्ध तरीके से किसी भी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आपका प्रयास बताता है कि आप परिश्रमी हैं। ईमानदारी का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, बल्कि ईमानदारी से तात्पर्य यह होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसकी आत्मानुभूति होना, ये अपने स्तर पर आत्मानुभूति होना, किसी दूसरे का नहीं। कि कोई माता पिता जा रहे हैं, किताब खोल करके देखिए, उसके बाद जैसे हो गए तैसे मोबाइल देखना शुरू कर दीजिए, कहानी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसकी अनुभूति आपको स्वयं होना चाहिए। आपने निर्धारित कर लिया कि किसी दिन दो चैप्टर हमें पढ़ना है, तो शाम को अगर आपको लगता है कि हमने दो चैप्टर की पढ़ाई कर लिया, तो दिस मीन कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से निरंतरता होनी चाहिए कि जैसे आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हो गया, मोटिवेशनल कार्यक्रम हो गया, तो जाकर के 10-12 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 3-4 दिन सो रहे हैं या घूम रहे हैं, मौसी के घर चले गए, मामा के घर चले गए, होता है ना, गाँव में चले जाते हैं बच्चे जो है अपना। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, इन सभी चीज़ों से बचना है। ये चीज़ें आपको अनुशासित और जिम्मेदार बनाती हैं, जो कि आपके भविष्य में लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका मदद करता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अनुशासन, अनुशासन क्या है,
आप विद्यालय में समय से आ रहे हैं, यदि एक अनुशासन है, आप अच्छे से बैठ रहे हैं, अपने गुरुजनों से अच्छे से बात कर रहे हैं, अपने किताब कापियों का अच्छा से ध्यान रख रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, ये सारी चीजें भी अनुशासन ही है और ये आपको अनुशासित बनाती है और एक अनुशासित व्यक्ति ही एक महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये नैतिक बातों को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे और धीरे धीरे अपना सर्वांगीण विकास करेंगे, अपने परिवार क्षेत्र राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और पिंक फिल्म की इन चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, ये तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ले इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी छात्र छात्रा को सर से किसी प्रकार का शंका समाधान हो, किसी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो खड़े होकर के अपनी जगह से पूछेंगे तो उसका समाधान भी यहाँ से दिया जा सकेगा। कभी कभी लगता है कि मतलब तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन कभी कभी इतना आत्मोत्साहित हो जाता है कि कुछ नहीं पूरा हो रहा है, कुछ रह जा रहा है, हरदम लगता है कि कुछ बच गया है, अभी अभी भी बाकी है, ये कैसे हो जाता है मतलब। एक और तो ये मेरा व्यक्तिगत है कि जैसे गणित का छात्र हूँ तो पेपर जब मिलता है मुझे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे आती हैं लेकिन मैं कर ही नहीं पाता हूँ, जब बाद में देखता हूँ तो लगता था कि ये इतनी आसान थी, मैं कर क्यों नहीं पाया। ऐसा है, हिंदी के दो शब्द हैं संयमित और संतुलित। जैसे इन्होंने कहा कि दो सवाल पूछा, एक ये कि हम पढ़ते हैं और कभी कभी ये हमें लगता है कि पढ़ने के बावजूद भी चीजें की तैयार नहीं है या शायद कर नहीं पाएंगे, एक सवाल इनका ये था। और दूसरा सवाल ये था कि प्रश्न पत्र को देखने के बाद उसमें आ रही चीजों को लिख नहीं पाते हैं। इसके लिए हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि दो चीजें हो सकती हैं जिसके कारण से ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि उस टॉपिक की पूर्ण रूप से कंक्रीट प्रिपरेशन ना हुई हो, क्योंकि जब आप क्लियर प्रिपरेशन में नहीं होते हैं तो लिखने से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप नहीं लिख पाएंगे। और ये आप यकीन मानिए कि जो अभी मैंने ट्रिक बताया भूलने वाली बात, शाम को मेडिटेट करने का, आप इसको करके जरूर देखिएगा, आप जरूर देखिएगा और आकर के स्कूल में अपने गुरुजनों से बताइएगा कि इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। 100% फायदा होगा और आप अगले दिन अगर उस विषय पर कहा जाएगा लिखने के लिए तो आप निश्चित तौर पर लिख पाएंगे, कोई भी टॉपिक हो। जैसे मैंने जेनेटिक्स का उदाहरण दिया, ग्रेविटेशन का उदाहरण दिया और इतिहास में हर्ष की उपलब्धियां आपको बता दिया, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको दिन में पढ़ाया गया होगा, शाम को अगर आप सोचते हैं एक मिनट के लिए और सोच ले जाते हैं कि जो पढ़ाई गई बातें हैं या जो हमने पढ़ी है दिन में वो चीजें हमको आ रही हैं, तो अगले दिन आप यकीन मानिए कि उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप में आत्मविश्वास बनेगा। लेकिन लिखने में वही समस्या होती है कि कोई चीज देखिए, पढ़ने में और अध्ययन करने में अंतर होता है। जब आप पेपर पढ़ते हैं देखते हैं तो वो चीजें रीडिंग में आती है, लेकिन जब आप किताब को देखते हैं तो वो पढ़ाई के साथ साथ अध्ययन होता है। अध्ययन में क्या चीजें होती हैं, मेडिटेशन भी सम्मिलित होता है, चिंतन भी सम्मिलित होता है। इसलिए आपको अपने पाठ्यक्रम को पढ़ना ही नहीं है केवल, बल्कि उसका अध्ययन करना है, पढ़ने से ज्यादा अध्ययन करने पर जोर देना होगा। और ये सही बात है, जो चीजें बताई गई, जो प्रश्न आया, ये जेन्युइन प्रश्न है, ये लगभग लोगों के साथ होता है और पढ़ाई में हम लोगों के साथ भी होता था, लेकिन वो उन्हीं टॉपिक के साथ होता है जिनकी हमारी अच्छी तैयारी नहीं होती है। और दूसरी बात, मैंने एक चीज बताया कि तैयारी करने के बाद पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना, अगर आप उन प्रश्न पत्रों को अच्छे तरीके से हल करेंगे तो स्वतः काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चाहे वो समय प्रबंधन की हो, चाहे वर्तनीय अशुद्धि की हो, चाहे आत्मविश्वास को लेकर के हो, इन सारी चीजों को हल करने में मदद मिलेगी। तो बस केवल इतना ही संदेश है कि जो चीजें आप पढ़िए
किसी टॉपिक के बारे में 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि 2 किताबों का 5-12 अध्ययन कीजिए। इससे क्या होगा कि एकदम क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके मस्तिष्क में, उस पर या उससे संबंधित पूछे गए सवालों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ही समझिए कि दूसरे को समझा सकने की क्षमता पैदा करिए और इस तरीके से तैयारी कीजिए, आप न केवल समझाने में बल्कि परीक्षा में लिखने में 100% सफल होंगे। और इस तकनीक को अपनाने के बाद ये सारी समस्या अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल इन व्याख्या में जो है आ गई होगी। हम किसी चीज़ पर बहुत अधिक मतलब गहनता से पढ़ तो लेते हैं, उस समय सर मतलब क्लियर रहता है, लेकिन जैसे हम कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं बाद में किसी मतलब जैसे हम ये क्वेश्चन और भी सर जैसे हम बोर्ड के साथ परीक्षा कर रहे हैं और जैसे हम कोई और परीक्षा से नीट वगैरह के उसी सिलेबस के साथ मतलब सर उसी साथ जैसे मैं बोर्ड मतलब इस बार बोर्ड भी देना है और जैसे सर नीट का क्वेश्चन उसी सिलेबस का करना है तो सर मतलब दोनों को साथ साथ लेकर भी कंबाइन करें कि मतलब आपके साल केवल बोर्ड की ही प्रिपरेशन करें और उसके बाद के समय मतलब नीट का प्रिपरेशन करें कि उसी का जो चैप्टर है उसी के साथ इसको कर लें। देखिए एक बढ़िया सवाल इनके तरफ से पूछा गया है कि जैसे साइंस स्ट्रीम से हैं और इन्हें आगे नीट के एग्ज़ाम देने हैं तो बोर्ड के परीक्षा की तैयारी के दौरान बोर्ड के लिए जो पाठ्यक्रम आपके इंटरमीडिएट का है वो और नीट ये दोनों को एक साथ पढ़ा जाए या अलग अलग करके पढ़ा जाए, यह सवाल पूछा गया है। देखिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है, क्योंकि जब बोर्ड के एग्जाम आपके एकदम क्लोज में आ गया हो तो ऐसी स्थिति में दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ना निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। हाँ जब अगर आपके पास समय होता कि आप कक्षा 11 में है, आपके पास अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए 2 साल का समय है तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेके पढ़ सकते थे, लेकिन जब आपके पास बहुत ही कैलकुलेटिंग टाइम है एकदम 2.5 महीने बचा हुआ है तो अब आपको बोर्ड के एग्जाम पर फोकस कर लेना होगा, क्योंकि अगर बोर्ड के लिए निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम आज की डेट में क्लियर हो जाएगा तो भाई ऐसा है कि जेनेटिक्स या ग्रेविटेशन या कोई भी टॉपिक वो टॉपिक वहाँ भी वही चीज़ पढ़ना है। हाँ ये हो सकते हैं कि उसका दायरा थोड़ा सा ज़्यादा हो, उस पर एग्जाम्पल आपको ज़्यादा हल करे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो वहाँ भी वही पूछा जाएगा कि आवर्तकाल टी इक्वल टू 2π√L/g, ये वहाँ भी वही है जो यहाँ पे है। हाँ वो हो सकता है कि उसको प्रयोग करने के लिए आपको बड़े बड़े डेटा को सॉल्व करना हो या इसी तरीके से जो भी चीज़ें करनी हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो यहाँ पे है वो वही वहाँ पे है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई स्टूडेंट आगे नीट की तैयारी करता है या सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है और अपने हाई स्कूल इंटर को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होता है तो वहाँ पर जा करके उसको NCERT की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इसीलिए पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि आज की चीज़ें उसने अच्छे से नहीं किया है। तो यकीन मानिए कि आप के जो इंटरमीडिएट तक कक्षा 6 से लेकर के इंटरमीडिएट तक के सिलेबस आपके लिए है वो आपके आगामी चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, सिविल सर्विसेज का हो या नीट के एग्जाम का एक बेस है और 70% चीज़ें वो यहीं से हैं और जो 30% अलग चीज़ें होती हैं वो केवल उसका दायरा होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, सवालों को हल करने का तरीका होता है, सवालों को कम समय में हल करने का प्रयास होता है। कई बार ऐसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे मैथ की मैं बात करूं, कोई क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं किसी टॉपिक, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपने ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया या परसेंटेज उठा लिया जो भी चीज, जब आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि 8 स्टेप के क्वेश्चन को आप 5 स्टेप में कर लेते हैं। ऐसा होता है तब होता है जब आपकी एकदम तैयारी उसमें पूर्ण होती है, यही चीज आपको आगे जा करके करना होगा, लेकिन वो स्टेप आप तभी काट पाते हैं जब आपकी उस पर तैयारी बेहतर होती है। बिना तैयारी के आप स्टेप नहीं काट सकते हैं क्योंकि कई चीजें होती हैं कि वो 2 स्टेप को एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेता है, कई कैलकुलेशन को वो माइंड में ही जो है सॉल्व करके अगले स्टेप पे पहुंच जाता है, इससे आपका समय बचता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट कम से कम 9 से लेकर के 12 तक के पाठ्यक्रम बहुत ही बेहतर ढंग से जो है तैयार होने चाहिए और यकीन मानिए कि जो भी आगे की तैयारियां हैं वो आपके इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पर आधारित है। कहीं गफलत में मत रहिए आप लोग, इस गफलत में आप लोग मत रहिए कि नीट की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा और बहुत अलग कुछ टॉपिक आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, यही जो है सिलेबस रहेगा। बस केवल क्या है कि आप दिखाए जाएंगे बहुत बड़े बड़े कोटा और कहां के कोचिंग में आपको भेजा जाएगा, वहां पे LED कैमरे लगे होंगे, वहां टीचर
माइक से बोलेगा 500 लोग जो पढ़ेंगे, ये सारी चीजें होती है, होने दीजिए, ये सब कोई समस्या नहीं है। आपको ये भरोसा करना है कि जो चीजें हमें पढ़नी है वो हमारी तैयारी